शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया मुझे, दिल सच में बहुत खुश हो गया। हमेशा ऐसे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीवी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं ऐप के साथ एक ऐप के बारे में शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है ज़ोटोपी। इस ऐप के बारे में सभी लोग जानते होंगे लेकिन मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। ये वीडियो कभी मजेदार होने वाला है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो मेरे पास ये दोनों एप्लीकेशन है, एक प्ले स्टोर की है और एक इसी एप्लीकेशन का मोबाइल वर्जन। दोनों एप्लीकेशन में से मैं जो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ और आगे जाके सब कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। इसका क्या फीचर से इस ऐप क्या कर सकते हो सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इस पिक्चर पे कहाँ पर हम मोशन क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इसके नीचे देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमें ऐसे बस कुछ ही ऑप्शन को जरूरत है। पहला है मोशन, दूसरा है स्टेबिलिटी, तीसरा है मार्क्स और चौथा है सिचुएशन। चलिए मोशन वाले जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद पिक्चर में उसको इनपुट करते हैं और पिक्चर पे अब देख रहे हैं हम मोशन क्रिएट कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो पिक्चर वो चलने लगा है लेकिन हमको पूरा वो जो पिक्चर है उसको चलाना नहीं है। आप मार्क्स को सिलेक्ट करिए और उसके बाद जिस जगह को आप स्टेबल करना चाहते हैं वहाँ पर वो मार्क्स वाले ऑप्शन से आप ड्रॉ कर दें। पर रेड रेड जो आ रही है वो मार्क्स का ऑप्शन है। तो फिर से चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क्स यूज करने से क्या हुआ, जो पिक्चर का जो हिस्सा स्टेबल रखना चाहते हैं वो स्टेबल हो गया। आप मोशन क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर मोशन क्रिएट हो गया। दोस्तों ऊपर जो थ्री डॉट है इस थ्री डॉट पर क्लिक करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक MP4 का है जो कि वीडियो क्रिएट करेगा और एक GIF जो कि GIF पिक्चर क्रिएट कर लिया, जो रनिंग पिक्चर होते हैं उसे GIF कहते हैं। तो चलिए हम इसको पहले MP4 पे कन्वर्ट करते हैं। देख सकते हैं जहाँ पर हम मोशन क्रिएट करना चाहते थे वहाँ पर मोशन क्रिएट हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगा, इस एप्लीकेशन का जो नेम है वो वाटरमार्क ऊपर आता है। वाटरमार्क को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। जो मोडेड एपिक है उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो चीज हम प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन के साथ किया वही चीज हम जो मोडेड एपिक है उसके साथ भी करेंगे। सेम करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर कोई वाटरमार्क नहीं रहेगा क्योंकि मोडेड एपिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आने वाला है।